वेलकम टू अनम्स फ्लेवर। आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन अवन और बिना अवन दोनों तरीक़ों से। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और चिकन को इस तरीके से कट मार्क्स लगाने हैं हमें। पूरे पीसेस को मैंने कट मार्क्स लगा लिया। अब इसे मैरिनेट करेंगे। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, नमक अपने जायके के हिसाब से डालें आप। गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा फूड कलर, 1/2 चम्मच तंदूरी चिकन मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर दें, 2 चम्मच नींबू का जूस और गाढ़ा दही लीजिए जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, और 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। अगर ये ना हो तो आप कौन सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक तंदूरी फ्लेवर के लिए हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। तो सिंपली कोयला बीच में रखकर उसमें थोड़ा सा तेल डालकर ढाँप दीजिए 2 मिनट के लिए। ये स्टेप आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब धुआं अच्छे से भर जाए हम कोयला रिमूव करेंगे और 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। फर्स्ट स्टेप मैं ओवन का दिखाऊंगी। एक ओवन के ट्रे को एल्यूमिनियम फॉइल लगाकर उसके ऊपर चिकन के पीसेस रख देंगे ऐसे जमा कर, और इसे ब्रश कर देंगे ऑयल, और इसे ओवन में रख देंगे ग्रिल होने के लिए। अब चलते हैं हमारे सेकेंड मेथड की तरफ, जो हम बिना ओवन के पैन के अंदर बनाएंगे तंदूरी चिकन। पैन को गर्म करके उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर। आप चाहे तो कोई एक चीज़ स्किप कर सकते हैं, या बटर या ऑयल। इसको अच्छे से स्प्रेड करके चिकन के पीसेस इसमें अरेंज कर लेते हैं। जब ये एक साइड पूरे अच्छे से पक जाए हम टर्न करके सेकेंड साइड भी पका लेंगे इसकी। बीच बीच में हम इसके साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। तंदूरी चिकन बनकर तैयार है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये हमने पैन में बनाया है तंदूरी चिकन, और ये अवन का तंदूरी चिकन बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh.